लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शक्तिमान, 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 हम तुमसे संपर्क करना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे उस दिशा का पता लगाना होगा जिस दिशा से कोई मुझे पुकार रहा है, परंतु ये आवाज आना बंद क्यों हो गई? शक्तिमान, शक्तिमान, तुम हमें सुन रहे हो ना? शक्तिमान, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी आवाज, मगर मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। कौन हो तुम? कहां से बोल रहे 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 हो तुम? हम अंतरिक्ष से रोहाक्षण बोल रहे हैं। शक्तिमान, काफी दूरी की वजह से हमें देख नहीं पा रहे हो तुम। हम रोहाक्षण के निवासी रोहाक्षण हैं। हमारा नमस्कार स्वीकार करो। नमस्कार। हाँ, मैं तुम्हारे ग्रह के कुछ लोगों से मिल चुका हूँ, मगर तुम्हारी भाषा तो कुछ और थी। तुम हमारी भाषा कैसे बोलने लगे? हमारे ग्रह रोहाक्ष पर तुम्हारी भाषा बोलने वाले काफी लोग हो चुके हैं शक्तिमान। हाँ शक्तिमान, पृथ्वी ग्रह से लौट कर आए हुए रोहाक्षणों के जरिए हमारे ग्रह का बच्चा बच्चा तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानने लगा है। अच्छा, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मगर अब तुमने मुझे क्यों याद किया? हम पृथ्वी पर आ रहे हैं शक्तिमान। हम अपने पूर्वज सूर्यांशियों के पास जाकर उनसे पृथ्वी के बारे में और सूर्यांशी समुदाय के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं शक्तिमान। मगर हमें नहीं पता हमारे पूर्वज सूर्यांशी कहाँ रहते हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? बताओ क्या हुआ है वहां पर? बताओ क्या हो रहा है वहां पर? यह अचानक चीखना चिल्लाना, फिर संदेश का अचानक बंद हो जाना, कहीं वो लोग खतरे में तो नहीं पड़ गए? ये क्या है? इसे नजदीक से देखो। कुरासो, ये तो खतरनाक जीवाणु कुरासो है। कुरासो, इनकी दिशा से लगता है कि ये पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सर्वनाश, ये पूरी तरह पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। हमें शक्तिमान को इनके बारे में बताना ही होगा। इन जीवाणुओं के शरीर से निकली हुई रेडियो धार्मिता ने हमारे यंत्र को बिल्कुल बेकार कर दिया है। मगर शक्तिमान को इनके बारे में बताना आवश्यक है। मगर कैसे, कैसे संपर्क करें शक्तिमान को? वो जरूर किसी मुसीबत में है, वरना दोबारा मुझसे संपर्क स्थापित करते। मुझे उनके पास अंतरिक्ष में जाना होगा। बड़े अंतरिक्ष में कहां होंगे वो रोहाक्षण? यंत्र पूरी तरह खराब हो चुका है, अब क्या करें? Thank you.
1500 जीवाणु के दूर जाते ही हमारा यंत्र फिर से काम करने लगा। शक्तिमान, 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 क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? शक्तिमान। हाँ, मैं अब तुम लोगों की आवाज सुन पा रहा हूँ। बोलो, क्या बात है? संपर्क क्यों टूट गया था? कहीं मुसीबत में तो नहीं हो तुम लोग? शक्तिमान, शक्तिमान, खतरा, बहुत बड़ा खतरा शक्तिमान, शक्तिमान। हाँ हाँ बोलो, कैसा खतरा? किस खतरे की बात कर रहे हो? ये तो फिर से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1500 जीवाणु हमारे आसपास हैं। वो पीछे से आ रहे हैं। तो दूसरा दल हमारी तरफ आ रहा है। ध्यान की दिशा बदलो, जल्दी ध्यान की दिशा बदलो। जल्दी करो, छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, वरना इनके हाथों मारे जाएंगे हम। ओह, फिर संपर्क टूट गया। वो किसी खतरे की बात कर रहे थे। कैसा खतरा? मुझे उन तक जल्द पहुंचना होगा। इसी दिशा से उनकी आवाज आ रही थी। अगर उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली होगी तो इसी दिशा में होंगे वो लोग। वो देखो, वहां छुप सकते हैं हम। काश पूरी बात बता पाते हम शक्तिमान को, मगर पृथ्वी सर्वनाश से नहीं बचेगी। कैसे संदेश भेजें हम शक्तिमान को? संपर्क टूट गया, अब मुझे मानसिक तरंगों के जरिए उनका पता लगाना होगा। अब हम कह सकते हैं कि हम उनकी नजरों से बच गए। नहीं, बहुत चालाक होते हैं ये, कोई ठिकाना नहीं, किसी भी वक्त हमारी तलाश में आ सकते हैं यहाँ। उनसे तो हम निपट लेंगे, लेकिन पृथ्वी का क्या होगा? काफी नजदीक पहुंच चुके होंगे अब तक वो। रोहाक्षन, रोहाक्षन, तुम कहाँ हो? मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम लोग? शक्तिमान, वो हमसे मानसिक संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लगता है वो हमारे कहीं नजदीक है, हम उससे मानसिक संपर्क कर सकते हैं। शक्तिमान, शक्तिमान, मेरी आवाज सुन रहे हो? शक्तिमान, 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 मेरी आवाज सुन रहे हो? शक्तिमान। हाँ, मेरा मस्तिष्क उस ग्रह को देख चुका है जहां तुम लोग हो, मैं आ रहा हूं। वो हमें देख चुका है, हमारे पास आ रहा है वो। वो देखो, शायद वही है। प्रणाम शक्तिमान। प्रणाम। तुम तो पृथ्वी पर आने वाले थे ना, फिर इस ग्रह पर कैसे? किसी खतरे की बात कर रहे थे तुम लोग जब तुमसे हमारा संपर्क टूट गया था। हम तुम्हें कुरासों के बारे में बताना चाहते थे शक्तिमान। कुरासों? ये कौन है? काफी खतरनाक जीवाणुओं का समूह होता है। क्या
और वो समूह पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। हम तुम्हें उन्हीं के बारे में बताना चाहते थे शक्तिमान, पर तभी उन्हीं जीवाणुओं का दूसरा समूह हमारे पीछे पड़ गया और हमें मजबूरन छुपने के लिए यहाँ आना पड़ा। मगर कुरासुओं का वो समूह पृथ्वी की ओर गया है, उन्हें कैसे भी रोकना होगा शक्तिमान। क्योंकि वो समूह जिस ग्रह पर भी जाता है उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। उस ग्रह का जन, जीवन, पहाड़, मिट्टी सब कुछ चट कर जाता है ये समूह। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला टिड्डी दल सारी फसल को पलक झपकती नष्ट कर देता है, वैसे ही सारे ग्रह को नष्ट कर देता है कुरासों का ये समूह। हाँ शक्तिमान, मगर फिर भी जीवित प्राणी इन्हें ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। शक्तिमान इन्हें रोको, अगर ये नजदीक आ गए तो हमारे शरीर में घुसकर हमें शैतान बना देंगे। कुरासुओं का समूह खत्म कैसे हो गया? ओह, ढेर सारे जीवाणुओं ने इकट्ठा होकर दैत्य का रूप धारण कर लिया। शक्तिमान इन्हें रोको। सबको मारना मुश्किल है, इनसे बचने का उपाय यही है, इन्हें रोकते हुए अपने अंतरिक्ष यान तक पहुंचो। आओ। चलिए जल्दी अंदर चलिए, चलिए आप भी अंदर जाइए जल्दी।